सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी सही। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा लेटेस्ट फाउंड चैनल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में, पर मैं मतलब कि उसके लिए रिसर्च कर रहा था से इसका मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर मुझे पता चल चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बताऊंगा से आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं मालूम है लेटेस्ट फाउंड यूट्यूब लेटेस्ट फाउंड चैनल्स किसको कहते हैं, तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सर्च मारा होगा यूट्यूब में टेक्नोलॉजी सही को अगर सर्च मारा होगा, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है मेरा यूट्यूब चैनल, और नीचे पूरा मतलब कि लेटेस्ट वीडियो आपको दिखता है जो आज मैंने बनाया, जो कल मैंने बनाया, जो मैंने परसों बनाया, तरसों नरसों ऐसा कुछ मैंने बनाया, वो आपको वीडियो ऐसा कुछ दिखता है इस प्रकार का। तो आपको अगर अपने यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट फाउंड यूट्यूब चैनल्स को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ललितन एंड योर टेक्नोलॉजी सही, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ इस वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे फ्रेंड, एक लाइक तो बनता है, और टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। मतलब कि आप में से कई सारे लोग ने मुझे मतलब कि लेटेस्ट फाउंड यूट्यूब चैनल के लिए कमेंट किया था और बोला था कि भाई मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिसके मतलब कि YouTube चैनल को हम लोग सर्च मारते हैं तो उसके YouTube चैनल कुछ मतलब कि लेटेस्ट टाइप से दिखते हैं, उस पर लिखा रहता है लेटेस्ट, मतलब कि ऐसा उसके उसमें जो वीडियो रहता है वो आज का रहता है, कल का रहता है, परसों का रहता है, मतलब कि एक दो घंटे का वीडियो रहता है, मतलब कि आज में जो दो एक दो घंटे के बीच में जो बनाया, ऐसे ऐसे वीडियोस लेटेस्ट राउंड में शो करते हैं। तो ऐसा हम अपने YouTube चैनल पर कैसे शो करवा सकते हैं और ऑडियंस को कैसे दिखा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा। और आगे मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब की बात बताऊंगा आपको लेटेस्ट फाउंड यूट्यूब चैनल को कैसे ऐड किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टेप नंबर वन। फ्रेंड्स, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना चाहते हो तो मतलब कि आपके जो सब्सक्राइबर्स बेस है मैटर नहीं करता है से आपके सब्सक्राइबर्स बेस 1000 हो या फिर 2000 हो, अगर आपके सब्सक्राइबर्स बेस अगर 50 भी होंगे या फिर 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जितने भी सब्सक्राइबर्स बेस हैं चलेगा आपके लेटेस्ट फाउंड यूट्यूब चैनल, मतलब कि लेटेस्ट फाउंड चैनल्स का जो मतलब कि वो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे आएंगे, उसके लिए सब्सक्राइबर्स कोई भी मैटर नहीं करता है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर टू। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो से आपके यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना, तो स्टेप नंबर टू कुछ इस प्रकार है से मतलब कि अगर आपका कोई भी ऑडियंस या फिर कोई भी बंदा अगर आपका यूट्यूब चैनल को सर्च मारता है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है एकदम टॉप रिजल्ट में आना चाहिए, जैसे कि सबसे ऊपर में आना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आज टॉप रिजल्ट में आ गया, कल थोड़ा नीचे चला गया, परसों एकदम नीचे चला गया, फिर तरसों वापस ऊपर आ गया, ऐसा मतलब कि उसके बाद वो YouTube चैनल है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कोई भी ऑडियंस को। अगर आपका YouTube चैनल कुछ इस प्रकार से मतलब कि शो कर रहा है से आज है कल नहीं है परसों है एकदम नीचे में, तो इस प्रकार अगर आपका YouTube चैनल शो कर रहा है तो ऐसे में आप मतलब कि लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपका जो YouTube चैनल है वो एकदम टॉप रिजल्ट में आना होगा, उसके लिए आप मतलब कि डेस्कटॉप साइड में उसको जाके सेटिंग्स कर सकते हो, उसके बाद आपका YouTube चैनल एकदम टॉप रिजल्ट में आएगा ही, और उसके बाद आप लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को भी ऐड कर सकते हो, तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर जो थ्री है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना चाहते हो तो आपका जो यूट्यूब चैनल है मतलब कि वो हरदम ऑनलाइन रहना होगा, मतलब कि हमेशा आपको यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रखना होगा। जैसे कि आज आपने दो वीडियो डाल दिया, कल भी आपको दो वीडियो डालना होगा, नहीं तो आप आज एक डाल सकते हो, कल भी दो डाल सकते हो, कल भी एक डाल सकते हो, नहीं तो एक एक दिन गैप करके भी आप डाल सकते हो, पर आपको मतलब कि अब हमेशा अपने YouTube चैनल पे एक्टिव रहना होगा, जैसे कि हमेशा उसके मतलब कि उस YouTube चैनल पे आपके YouTube चैनल पे हमेशा वीडियोस अपलोड होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही होगा लेटेस्ट फाउंड YouTube चैनल, जैसे कि जो लेटेस्ट वीडियो है वही उस पर शो करेगा, तो लेटेस्ट वीडियो जैसे कि आज का हो गया, कल का हो गया, दो तीन घंटे का हो गया,
गया, आपने देखा होगा 2-3 घंटे बाद भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आ जाता है कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहते हो लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना, तो आपके YouTube चैनल पे कम से कम मतलब कि हमेशा रेगुलर वीडियोस डालिए। अगर नहीं भी अगर आपको रेगुलर वीडियो नहीं डालने का मन है तो आप मतलब कि एक एक दिन गैप करके भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और मैं अगर आपको मतलब कि मैं अपना बात बताऊं से मतलब कि मेरा YouTube चैनल पे लेटेस्ट फाउंड चैनल्स कैसे ऐड हुआ, तो मतलब कि मैं पहले है ना रेगुलर वीडियोस डालता था जैसे कि एक एक दिन गैप करके, तो उसमें मेरा लेटेस्ट फाउंड चैनल्स आ तो गया, पर मैं बीच में है ना एक महीना के लिए मतलब कि मैं ऑनलाइन मतलब YouTube से लेफ्ट हो गया, तो उसमें फिर से मेरा YouTube का जो मतलब कि लेटेस्ट फाउंड चैनल है वो भी ऑफ हो गया, मतलब कि वो भी हट गया। तो उसी के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को लाना तो आपको हमेशा ऑनलाइन रहना होगा। अगर आप 1-2 महीने के लिए YouTube से लेफ्ट हो जाते हो तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो YouTube का जो लेटेस्ट फाउंड चैनल है वो भी हट जाएगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। और मेरा जो लेटेस्ट फाउंड चैनल्स है वो मतलब कि आने में मतलब कि मैं जो 100 वीडियो बना लिया, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल में कम से कम 110 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो मेरा जो लेटेस्ट फाउंड चैनल है मतलब कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 100 वीडियोस डालने के बाद ही लेटेस्ट फाउंड चैनल्स मेरे को आया है। पर आप मतलब कि कोशिश कर सकते हैं 10 वीडियो डाल दीजिए, 20 वीडियो डाल दीजिए, और अगर आप रेगुलर वीडियो डालेंगे तो उससे आपका भी एक अच्छा मतलब कि अगर लक हुआ तो आपके भी लेटेस्ट फाउंड चैनल्स ऐड हो सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। तो इस वक्त एकदम ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर कुछ इस प्रकार है, मतलब कि अगर आप चाहते हो से अपने यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना, तो आपको स्टेप नंबर 4 मतलब कि क्या करना होगा, आपको 2 लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। अगर आपने मतलब कि 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले आपने लाइव स्ट्रीमिंग करके भी रखा है तो आपका ज़रूरत नहीं है, पर आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो आप कर भी सकते हैं। और अगर कम से कम अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो आपको 2 से 2 लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड आप मन चाहे जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको कम से कम 2 लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। पर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा से यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब का जो अभी मतलब कि नया जो अपडेट आया वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर से कम अगर यूट्यूब चैनल का 1000 से कम सब्सक्राइबर्स रहा तो वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस अगर आपका भी यूट्यूब चैनल 1000 से कम मतलब कि 1000 कम सब्सक्राइबर्स आता है अगर आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। पर आप अपने मतलब कि मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, उस पर डेस्कटॉप साइट को ओपन करके ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग करना अंडर 1000 में। तो इसी प्रकार से आप लाइव स्ट्रीमिंग करो, कम से कम 2 लाइव स्ट्रीमिंग आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने 2 लाइव स्ट्रीमिंग पहले से ही करके रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, आपको हमेशा यूट्यूब पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, मतलब कि रेगुलर वीडियोस को अपलोड करो और ऐसे में आपके जो लेटेस्ट फाउंड चैनल्स है वो भी आपके यूट्यूब चैनल में आ जाए। नंबर 5 फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी मतलब कि यूट्यूब वीडियोस को कोई भी अपलोड करके रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो मतलब कि अपने यूट्यूब पे से ध्यान हटा देते हैं, कुछ और वीडियोस को मतलब कि अपलोड करते रहते हैं पर आप अपने YouTube चैनल पे वो ध्यान नहीं देते। पर अगर आपको अपने YouTube चैनल पे लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना है तो नंबर 5 स्टेप कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके YouTube चैनल पे जो प्लेलिस्ट होता है उसको आपको हमेशा मतलब कि एकदम प्रोफेशनल टाइप बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने 10 ऑनलाइन अर्निंग पे वीडियो बनाया तो 10 ऑनलाइन अर्निंग पे जो वीडियो बनाया उसको आपको एक ही मतलब कि प्लेलिस्ट में एक ही पे रखना पड़ेगा और उसका टाइटल आपको एक ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन अर्निंग वीडियोज़, ऐसा आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाते हैं तो आपको मतलब कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ को आपने 10-15 बना दिया तो आपको 10-15 वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में डाल के उसमें लिख देना पड़ेगा YouTube रिलेटेड वीडियोस, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पर अगर आपको मतलब कि लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड करना है तो आपको अपने YouTube चैनल्स को हमेशा एक्टिव रखना होगा, एकदम प्रोफेशनल टाइप रखना होगा, जैसे कि अबाउट सेक्शन एकदम क्लीन होना चाहिए और आपके YouTube चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो भी एकदम स्टेबल होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। इसी प्रकार से आप अपने YouTube चैनल्स पे लेटेस्ट फाउंड चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बहुत सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपने बहुत सारे YouTube
चैनल्स को देख सकते हैं जो भी आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं मैंने अपना अबाउट सेक्शन किस प्रकार से बनाया है और मैंने अपने प्लेलिस्ट को किस प्रकार से बनाया है। उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा और अपने यूट्यूब चैनल पर आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझे फॉलो कर चुके हैं इंस्टाग्राम में और मुझसे हमेशा मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं, तो जल्दी से जाइए। आप भी बातें करना चाहते हैं मुझसे तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए और आप कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा ही इस यूट्यूब चैनल पे या फिर उसी इंस्टाग्राम के चैट पे, तो जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल कितने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहिए टेक्नोलॉजी सही।